पहले सुबह राजेंद्र नगर से बांका जा रही इंटरसिटी ट्रेन में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही यात्रियों ने चलती ट्रेन से कूदकर बचाई अपनी जान। किसी तरह ड्राइवर ने ट्रेन को नाथनगर स्टेशन पर रोका। बिहार के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं मौसम विभाग की तरफ से 14 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नया परिवहन कानून लागू होने के बाद से लोग इसे परेशानी बढ़ाने वाला फैसला बता रहे। जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई। इसे देखते हुए राज्य सरकार जल्द जुर्माने में राहत का ऐलान कर सकती है। बक्सर में जनता दरबार में आम लोगों द्वारा उठाए गए सवालों पर राज्य के परिवहन मंत्री संतोष निराला ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रख रही है, हालांकि अभी इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार जल्द इस पर निर्णय लेगी। महागठबंधन में मचे घमासान के बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अलग राह चलने की तैयारी में जुट गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का मानना है कि उन्होंने काफी पहले ही अपनी बात रख दी थी कि नाथनगर और किशनगंज सीट पर पार्टी अपने उम्मीदवार देगी, लेकिन कांग्रेस की मांग पर उन्होंने किशनगंज से प्रत्याशी नहीं देने का फैसला किया। उन्होंने इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल पर ठिकरा फोड़ा है। वहीं पूरे मामले पर जदयू ने चुटकी ली है। महागठबंधन के बिखराव पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, यह तो होना ही था। बिहार यूपी की सीमा पर गंडक नदी में बने तटबंध में लगातार रिसाव हो रहा। नदी के कटाव से इस तटबंध पर खतरा बढ़ता जा रहा। ऐसे में कभी भी यह तटबंध टूट सकता है। राज्य की कई नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं। कई जगहों पर नदियों के तटबंधों में कटाव भी जारी है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ लुटेरों ने दिन दहाड़े सदर थाना क्षेत्र स्थित SBI की शाखा में धावा बोलकर तकरीबन 7 लाख रुपए लूट लिए। विरोध पर ब्रांच मैनेजर सहित कई कर्मियों पर पिस्टल के बट से हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की आशंका को लेकर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने जिले में हाई अलर्ट रखा है। इस सिलसिले में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण संभावित बाढ़ की आशंका को देखते हुए DM ने गुरुवार को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आपात बैठक की। जनजागरण सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि धारा 370 व 35A भारत माता के माथे पर कलंक का टीका था, जिसको मिटा दिया गया। इससे देश को तोड़ने वाली ताकतों को सबक लेने की जरूरत है कि अब भारत की एकता में खलल डालने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। अगर भारत में दोबारा जन्म लेना है तो 3 बार भारत माता की जय बोलना होगा। लेकिन कुछ लोगों ने देश की अखंडता एवं एकता को तोड़ने की कसम खा ली है। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में CBI गुरुवार को विशेष कोर्ट में वस्तु प्रदर्श पेश नहीं कर सकी। इस मामले पर सत्र विचारण MP MLA के मामले के लिए गठित ADJ हे राधे श्याम शुक्ला के कोर्ट में चल रहा है। CBI की ओर से गवाह पेश किए जा रहे। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजरुद्दीन बेग उर्फ लडन मियां की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य आरोपितों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 2003 की रिपोर्ट को कोई साधारण राय नहीं है। पुरातत्वेता खुदाई में मिली सामग्री के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा सौंपे गए काम पर अपनी राय दे रहे थे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि सुनिश्चित एवं अध्ययनशील विशेषज्ञों द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट से निष्कर्ष निकाला गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पड़ोसी देश के आतंकवादियों द्वारा भारत के समुद्री रास्तों और तटों का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम तटीय और समुद्री रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड, मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड, मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड, मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस, सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीफ, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज़।
और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।